प्रभारी मंत्री हरदीप सिंह डंग ने पुलिस लाइन स्थित मुख्य समारोह में किया ध्वजारोहण, परेड के लिए सलामी। कोबरा बटालियन, सीआरपीएफ बटालियन, एसएफ 36वीं वाहिनी, जिला पुलिस बल, होमगार्ड के जवानों ने दी परेड शानदार प्रस्तुति। उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किए गए कर्मचारी और अधिकारी, शील्ड और प्रशस्ति पत्र देकर किया गया सम्मान। बालाघाट शहर के अलग अलग शासकीय और अशासकीय संस्थानों में किया गया ध्वजारोहण, हर्षोल्लास के साथ मनाया गया स्वतंत्रता दिवस। जिला पंचायत की प्रधान रेखा बिसेन ने जिला पंचायत कार्यालय में किया ध्वजारोहण। जनपद पंचायत कार्यालय में जनपद अध्यक्ष पूरन लाल ठाकरे ने किया ध्वजारोहण। जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमरनाथ केसरवारी ने जिला सत्र न्यायालय में किया ध्वजारोहण, तिरंगे झंडे को दी सलामी। कलेक्टर दीपक आर्य ने कार्यालय में फहराया तिरंगा झंडा, कलेक्टर कार्यालय में अधिकारी और कर्मचारी रहे उपस्थित। पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में फहराया तिरंगा, मनाई स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ। नगर पालिका सीएमओ सतीश मठसेनिया ने नगर पालिका कार्यालय में किया ध्वजारोहण, कोरोना काल में बेहतर काम करने वाले कर्मचारी अधिकारियों को किया सम्मानित। कोरोना की वजह से मैंगनीज और इंडिया लिमिटेड भरवेली में नहीं आयोजित किया गया मुख्य कार्यक्रम। मॉयल कामगार संगठन कार्यालय में संगठन के पदाधिकारी और सदस्यों ने मिलकर किया ध्वजारोहण, मनाया स्वतंत्रता दिवस। भरवेली पंचायत भवन में पंचायत की प्रधान रेखा सरवारी ने किया ध्वजारोहण। वारासिवनी तहसील मुख्यालय सहित ग्रामीण क्षेत्रों में 75वीं स्वतंत्रता दिवस की वर्षगांठ पर आयोजित हुए विविध कार्यक्रम। वारासिवनी नगर पालिका में सीएमओ ने किया ध्वजारोहण, विधायक जनसंपर्क कार्यालय में प्रदीप जायसवाल ने किया ध्वजारोहण। शहीद स्मारक में शहीदों को दी गई सलामी और श्रद्धांजलि, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के उत्तराधिकारियों का किया गया सम्मान। वारासिवनी शहर में युवाओं के द्वारा निकाली गई बाइक रैली, रैली के दौरान युवाओं में दिखा जमकर उत्साह। बालाघाट में बब्बर महाकाल सेना के द्वारा निकाली गई कावड़ यात्रा, गुप्तेश्वर महादेव धाम हट्टा में किया जाएगा बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक। जिला मुख्यालय से 7 किलोमीटर दूर चिजगांव पंचायत में युवाओं के द्वारा किया गया वृक्षारोपण, कार्यप्रणाली पर जताई नाराजगी, पूर्व में लगाए गए पौधे सुरक्षित नहीं रखने का लगाया गया आरोप। लालबर्रा तहसील मुख्यालय और ग्रामीण क्षेत्रों में मनाया गया स्वतंत्रता दिवस का पर्व। जनपद पंचायत लालबर्रा में अध्यक्ष किरण मेरावी ने किया ध्वजारोहण, कर्मचारी और अधिकारी रहे उपस्थित। गांधी मंच पर जनपद उपाध्यक्ष अशोक जायसवाल ने जनप्रतिनिधि, अधिकारी और जनता की उपस्थिति में किया ध्वजारोहण। मंडी परिसर में सेवा दल ने किया ध्वजारोहण, वहीं पंडित नंदकिशोर शर्मा की प्रतिमा स्थल पर भी किया गया ध्वजारोहण। जिला मुख्यालय सहित मुख्य समारोह में कोरोना काल में बेहतर कार्य करने वाले आयुष चिकित्सकों को प्रभारी मंत्री हरदीप सिंह डंग ने किया सम्मानित। आयुष चिकित्सकों ने सम्मान नहीं, स्थायी नौकरी देने की मांग, कोरोना काल में बेहतर काम करने पर स्थायी नौकरी दे सरकार। बालाघाट सिवनी राजमार्ग पर प्रदेश शासन ने बंद करवाया टोल टैक्स वसूली, कांग्रेस कमेटी द्वारा 16 अगस्त को किए जाने वाले बंद के आह्वान को लिया गया वापस।